आजकल आप फेसबुक खोलें या इंस्टाग्राम, ट्विटर खोलें या यूट्यूब, आपको अरशद नदीम की कामयाबी के ही चर्चे दिखाई देंगे। अरशद नदीम, अरशद नदीम, अरशद नदीम, अरशद नदीम, अरशद नदीम। 92 meters 97, Arshad Nadeem of Pakistan, a huge throw in the second round to take the lead। इसमें कोई शक नहीं कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान में 32 साल बाद गोल्ड मेडल और 100 साल ओलंपिक्स की हिस्ट्री में आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब तक तो हम सब जान चुके होंगे कि अरशद नदीम कौन है, अरशद नदीम कहाँ से है, लेकिन जो चीज़ मैं आपके से डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये कि हमें क्या लेसन लेना चाहिए। एक बात जो कई दिनों से हाईलाइट हो रही है कि अरशद नदीम की लाइफ में एक ऐसा फेज भी आया था कि उसके पास 85,000 रुपये तक ना थे कि वो जवेलाइन खरीद सकता। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो हीरोज़ की लाइफ में ऐसी कई स्ट्रगल्स हैं। उनके पास तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं थी। तो आप सिंपैथी ही क्यों प्रमोट करें, इससे लेसन क्या मिलते हैं इस पे क्यों नहीं डिस्कस करते। अगर हम देखें अरशद नदीम की तो डायरेक्शन भी सेट थी, उसे तो 6th ग्रेड से पता था कि उसने क्या करना है, जो गालबन 16 साल बनते हैं। और अगर हम अपनी बात करें, हमें तो 16 जमात पास करने के बाद भी पता नहीं होता कि हमने आगे क्या करना है। और स्पोर्ट्स सिस्टम हमारे माशरे की मिसाल ऐसी है, हमें दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तो दिखाई देती है लेकिन उसके पीछे कील को कभी कोई अप्रिशिएट नहीं करता। सेम ऐसे ही हुआ अरशद नदीम की फैमिली, उसके वो 5 भाई जिन्होंने कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पे फोकस करो, यार हम संभाल लेंगे। उसका बड़ा भाई जो उसने उसको डायरेक्शन दी कि तुम्हें क्रिकेट से किस तरह से जवेलाइन में आना चाहिए। उसके वो मेंटोर्स जैसे सलमान बट जैसे लोग सर फहरिस्त हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो मज़ीद क्रिटिसिज्म क्रिएट करें। जानते हैं कैसे? जिन लोगों ने अरशद नदीम को इजहार मोहब्बत में तोहफे तहफ़ पेश किए हैं, हम उन्हीं को ही कह रहे हैं कि इस तोहफे की क्या ज़रूरत है, ये पैसे आप पहले भी तो दे सकते थे। सवाल ये है कि नो वन इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर यू अनलेस एंड अनटिल यू हैव टू शो योर क्रेडिबिलिटी। अरशद नदीम ने तो हमें बता दिया कि हालात चाहे जितने पसीद हों, चाहे आप पासमानदा इलाके से हो, अपनी मेहनत को कभी ना रोकना। अगर तुम्हारा खुदा पे कामिल यकीन है और तुम्हारी वालदैन की दुआएं तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे इरादे मजबूत है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकती।